गाइज़, वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। आज मैं जो लास्ट व्लॉग था ना, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड ये मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, तो मैंने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ये आगे मैं बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ है एंड अपडेट वगैरह सब कुछ। तो व्लॉग पे बने रहिएगा। हेलो, मैंने व्लॉग शूट कर रखा है एक दो दिन का, बट मैं डाल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, तबीयत सही नहीं लग रही मेरी। मुझे क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है मुझे, बट मेरे को बहुत सर घूम रहा है, मेरा चक्कर आ रहा है एंड वॉमिटिंग टाइप लग रही है। पेट में भी दर्द था कल, बट आज नहीं है इतना। आज वॉमिटिंग टाइप भी थोड़ा कम फील हो रहा है, बट मून सिर जो है ना, स्विंग होता है ना, उस टाइप का लग रहा है मुझे, चक्कर जैसा। और एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा वर्क का लोड नहीं ले रही अभी, सिर्फ ज़रूरी ज़रूरी काम कर रही हूँ। एंड कुकिंग वगैरह तो कर ही रही थी, बट अभी थोड़ा सा, आज भी मैं जब मैं रोटी सेकने के लिए गई तो आटा वगैरह लगाया, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, खड़े होके कंटिन्यूसली मेरे को 1.5 घंटा तो लग जाता है सारी रोटियाँ सेकने में। तो कंटिन्यूसली 1.5 घंटा 45 मिनट्स के लिए वहाँ पे खड़े होकर रोटी सेकना मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था एकदम। मेरे को ऐसा लग रहा था बिल्कुल खड़े नहीं हो पाऊँगी मैं। तो फिर हम लोग की जो कपड़ा वाली मेड है ना, कपड़ा वाली दीदी, उनको मैंने बोला कि मैं रोटी बेल के दे दे रही हूँ तुमको, तुम सेक दोगे क्या खाली? तो फिर वो बहुत अच्छी है, वो थोड़ा बहुत कर मतलब जैसे हम लोग दिवाली में कुछ काम के लिए बोलते हैं या कुछ ऐसा, तो वो कर भी देती है, मना नहीं करती है। कई बार किचन थोड़ी बहुत सफाई करने के लिए उसको बोल देते हैं तो कर देती है, ऐसी है वो। तो मैंने उसे बोला तो हाँ कर दूंगी, बोली वो। एंड मैंने रोटी बेल बेल के दे दी उसको एंड वो सेक ली, तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो गया। एंड कल तो मैंने जैसे, कल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट जैसे तैसे मैंने रोटियाँ सेकी थी। एंड अब ऐसा लग रहा है कि बहुत, पता नहीं, मैं अंदर से बहुत वीक हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत मेरे को खड़े होने पे एकदम कमजोरी टाइप लग रही है एंड चक्कर टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो डॉक्टर को बोला है मैंने, दिखा दो मेरे हस्बैंड को, क्योंकि फिर जब तक अच्छा नहीं लगता तो फिर काम करो तो लाइक ऐसा लगता है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर काम करने की हिम्मत नहीं रहती, मन नहीं लगता काम करने में। तो फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, तो हस्बैंड ने बोला दिखा देंगे, बट टाइम नहीं हो रहा है उनको। कल जब वो आए ऑफिस से तो 8 बज गया था रात, शाम को, रात को। तो फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, चले गए थे क्लिनिक पे जब बात किए हम लोग तो हॉस्पिटल पे। तो मे भी आज जाएंगे। एंड ये बेडशीट मेरे को बहुत दिन से चेंज करना था, बट मैं कर नहीं पा रही थी। 2-3 दिन से मैंने सोच रखा था करूँगी, बट अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। जब सोचा कि ज़बरदस्ती का लोड नहीं लेती, सिर्फ ज़रूरी काम कर लेती हूँ, ऐसा सोच के मैं उसे टाल रही थी एंड रेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर आज सोचा कि करते हैं, बट अभी भी मेरे को बहुत वीकनेस लग रही है, तो मैं बैठ बैठ के एंड रुक रुक के एंड स्लो, थोड़ी स्पीड मेरी स्लो हो गई है, तो थोड़े स्लो स्पीड में कर रही हूँ काम, बस यही है। एंड बच्चों की छुट्टी हो रखी है, एग्ज़ाम तो ओवर हो गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हूँ मैं अभी, नहीं तो फिर एग्ज़ाम का भी टेंशन रहता। और बच्चों का एग्ज़ाम हो गया तो बस वही तैयार होके टीवी देख रहे हैं हम लोग बैठे हैं। एंड नहलाने का भी काम आज मैंने चीनी को बोल दिया कि चीनी चीकू को नहला देना, मैं वो लोड भी नहीं लेती। मतलब मैं सोच रही हूँ जितना हो सके थोड़ा सा कम अपने आप पे बर्डन डालने की कोशिश करूँगी, ऐसा सोच रही हूँ मैं, ऐसा सोचा है मैंने अभी, क्योंकि मुझे फिट नहीं लग रहा है अंदर से। तो बस वही है। एंड बहुत वॉमिटिंग टाइप लग रहा है मुझे, वॉमिट हो भी नहीं रही है, बट क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी टाइप भी हो गई है एंड वॉमिट जैसा फील हो रहा है बार बार। भूख लग रही है मुझे, बट खाने की कुछ इच्छा नहीं हो रही, वैसा लग रहा है। एंड 2 दिन हो गए अभी। और कल क्या हुआ, चीनी जब आई स्कूल से, कल तो उसका लास्ट पेपर था, तो कल चीनी आई तो मेरे पास स्कूटी नहीं था लेके जाने, उसको लेकर आने के लिए, तो मैं सोची पैदल चले जाती हूँ एंड थोड़ा सा वॉक करूँगी तो अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगा। नाश्ता वाश्ता तो बना लिया था मैंने एंड उसके बाद जब वो आती है 11:30 बजे के अराउंड, 12:15 बजे के अराउंड, तो फिर क्या बोलते हैं, मैं उसको लेने के लिए गई, तो बस हम लोग की गली को पार करके ही वहाँ तक मैं गई एंड उसके बाद मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई। मुझे बिल्कुल भी
पेशेंस नहीं लग रहा था खड़े होने का, चलने का। तो फिर जैसे तैसे चीनी को पकड़ के मैं आई हूँ एंड उसका सहारा लेके, और बस आके बैठी फिर। एंड मेरा सर घूम रहा था बहुत ज़्यादा और वीकनेस लग रही थी, तो फिर बस उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने। एंड मैं लंच प्रिपेयर करने के लिए गई थी, तो फिर मेरी मदर इन लॉ, मैं चढ़ा ही रही थी खाना, तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मैं चढ़ा देती हूँ खाना, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सब्ज़ी बनानी है, चढ़ाना है सिर्फ दाल चावल। रोटियाँ तो मैंने सुबह सेक ही ली थी, तो फिर वो कर दिए। तो बस यही है। एंड उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी, तो क्या बोलते हैं, बस यही है। एंड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, लाइक लास्ट थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था मुझे ना, इसलिए ऐसा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बहुत थक गई हूँ मैं। एंड मेड भी नहीं आ रही थी, तो 3 4 दिन से बहुत सारा बर्तन निकलता है हमारे यहाँ पे, तो बर्तन वाला काम भी एंड बाकी काम भी सब बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था। एंड घर पे भी तबीयत भी सही नहीं थी मेरी मदर इन लॉ की, फादर इन लॉ की, तो मेरे हस्बैंड पे भी थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया था, ऑफिस का भी एंड शॉप का भी, और घर पे भी मेड वाला काम भी एंड बाकी सारा काम, कुकिंग वगैरह भी सारा काम, एक्स्ट्रा मेड वाला काम बढ़ गया था ना, तो मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो 1 2 दिन देख रहे थे हम लोग, बट 2 ही दिन हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले दिन तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है वॉमिट टाइप, बट फिर अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे ना, तो और मतलब पूरे दिन बेड पे लेटे रहना, मतलब एकदम बोर लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था क्या पड़ी हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पा रही। और बहुत सारे काम बचे हुए थे मेरे पेंडिंग, मैंने वीडियोस भी नहीं डाला था, और बेडशीट वगैरह चेंज करना, क्लीनिंग वगैरह करना, और बच्चों के भी एग्ज़ाम भी ओवर हो गई ना, तो उनके बुक्स कॉपी सब संभाल के रखना, ये पीछे बैग पड़ा हुआ है चीनी का, तो बुक्स कॉपी वगैरह सबको संभाल के रखना, थोड़े बहुत कवर्ड ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब जो है बहुत सारे काम पड़े हुए थे मेरे, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो फिर इसलिए हम सोचा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो आज देखती हूँ मैं, दिखाएंगे डॉक्टर को, तो बस यही है। एंड परसों तो मुझे बैठे बैठे भी चक्कर आ रहा था, लाइक मैं बैठी भी थी ना तो भी मेरा सर घूम रहा था, बैठ भी नहीं पा रही थी ऐसा लग रहा था, बट क्या बोलते हैं, आज थोड़ा बहुत चलने फिरने वाला काम, एंड कल भी मतलब चलने फिरने वाला काम, जैसे मैं चीनी को लेने चले गई तो मुझे चक्कर आ रहा था, एंड रोटियां भी बहुत मुश्किल से मैंने सेकी थी, बहुत चक्कर आ रहा था, इस टाइप का फील हो रहा था मुझे। तो यही है, एंड बहुत सारा बता दिया मैंने कि मुझे कैसा फील हो रहा है, लंबी हो गई है वीडियो, तो बस यही है। एंड मैंने क्या किया अभी, ये गद्दा है ना बेड का, तो इसको मैं क्या करती हूँ, चेंज करते रहती हूँ साइड, जैसे ये वाला साइड है ना, यहीं पे सो सो के ना ये दब जाता है पोर्शन ना, एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, तो ये इतना दबा हुआ नहीं लगता, जैसे आप देखोगे यहाँ थोड़ा दबा हुआ लग रहा है, तो ये मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े दिन में, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक 1 2 महीने में या फिर उससे भी ज़्यादा 2 3 महीने में चेंज कर देती हूँ साइड को, रोटेट कर देती हूँ गद्दा को। तो उससे क्या होता है, बराबर रहता है, लाइक इधर भी उतना दबा हुआ नहीं रहता एंड उधर भी उतना दबा हुआ नहीं रहता, तो वही अभी मैं कर रही थी। एंड ये गद्दा को उठाया मैंने तो मैं एकदम थक गई, तो बस धीरे धीरे बेडशीट बिछाऊंगी एंड देखती हूँ, लंच का टाइम अभी हुआ नहीं है, 12 बजे, तो बस धीरे धीरे करने की कोशिश करती हूँ आज काम। तो आ गए हम लोग डॉक्टर को दिखा के। चक्कर तुम लगवाने? हाँ हेलो, तो मैं आपसे जब डॉक्टर के पास जा रही थी ना तब बात किया था मैंने, एंड क्या बोलते हैं, मैं बताना भूल गई थी कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो बस मैंने बात करी आप लोग से, उसके थोड़ी देर डॉक्टर बाद ने मेरे हस्बैंड का थायराइड का कॉल आया टेस्ट कि अभी लिखा मैं है फ्री हो एंड गया हूँ तो डॉक्टर के पास विटामिन चलेंगे। की भी तो बस वहीं चलते हैं टेस्टिंग हम लोग लिखी डॉक्टर है, के बट पास। अभी तो देख के डॉक्टर ने यही बताया कि विटामिन की डेफिशिएंसी है, एंड क्या बोलते हैं, और एंड ब्लड प्रेशर जो रहता है ना वो मेजर किया तो वो हाई आ रहा है अभी, एंड इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा फील हो रहा था, एंड वीकनेस के लिए क्या बोला डॉक्टर ने, स्ट्रेस है बोला डॉक्टर ने, तो
हाँ तो स्ट्रेस तो है थोड़ा, मुझे हो जाता है कभी कभी। एंड ऐसा मुझे भी लग रहा था कि लास्ट थोड़े दिनों से बहुत ज़्यादा वर्क लोड हो रखा है एंड बिल्कुल पागलों की तरह मैं काम कर रही थी, तो मुझे एकदम मैं एग्जॉस्टेड हो गई थी बिल्कुल। तो इसलिए भी मुझे ऐसा फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा थकान हो रही होगी। तो वही डॉक्टर ने भी कहा कि स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा एंड एग्जर्शन फील हो रहा है और विटामिन डेफिशिएंसी है एंड थायराइड का एक बार टेस्ट करा लो एंड बीपी हाई आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं एंड थोड़ी बहुत मेडिसिन विटामिन वाली दी है डॉक्टर ने, ब्लड प्रेशर वाली अभी मेडिसिन दिया नहीं है। तो क्या बोलते हैं, बस यही बोला है एंड 15 डेज तक कंटिन्यू करने के लिए बोला है एंड उसके बाद आप फिर से दिखाना ऐसा बोला है। बट मैं देखती हूँ, अगर मुझे ठीक लगेगा तो और दिखाएंगे नहीं डॉक्टर को, एंड टेस्ट भी टाइम रहा तो करा लेंगे। और बस यही है एंड 2 दिन बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे, बैठने पे भी चक्कर आ रहा था। और धीरे धीरे अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है और थोड़ा सा कंटिन्यूसली खड़े हो जाने पे या कंटिन्यूसली ज़्यादा थोड़ा वॉक कर लेने पे ऐसे में मेरे को थकान फील हो रही है एंड स्ट्रेंथ नहीं लग रही है मेरी हाथ में पैर में और कांप रहे मेरे हाथ पैर, इस टाइप से फील हो रहा है। तो वही मेडिसिन कंटिन्यू करना है अभी। तो ये एक अपडेट था और व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड करना चाह रही थी बट अभी सफिशिएंट जितना व्लॉग होना चाहिए उतना हो गया है मेरा। तो बस ये एक मेरी हेल्थ की अपडेट मैंने शेयर करी इसमें एंड अभी फ़िलहाल तो फिर मैं रेस्ट कर रही हूँ, अभी कुछ काम नहीं है इसलिए। बट खाना थोड़ा बहुत मिलजुल के कर ले रहे हैं हम लोग, इस टाइप से हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि रोटी सेकने के लिए मैंने वो मेड को बोल दिया तो वो सेक भी दी एंड आफ्टरनून में ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने चढ़ा दिया एंड रात को भी मैंने सब्जी बना ली थी तो फिर रोटियां मेरी मदर इन लॉ ने सेक लिया, आटा भी मैंने लगा लिया था। तो बस यही है एंड बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हेल्प लेके अभी मैं कर रही हूँ काम। और इसके बाद गणगौर का व्लॉग डालूंगी मैं, तो गणगौर में थोड़ा ज़्यादा वर्क रहता है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें भी बनानी रहती तो उसमें भी मैं थक गई थी। बट ये व्लॉग के बाद उसको मैं डालूंगी, इस व्लॉग को यहीं पेंट कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।